हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी माली हालत कैसी होगी, देश विदेश की यात्रा का क्या योग है, आप पढ़ाई कहाँ करेंगे, किस फील्ड में नौकरी करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे या राजनीति में जाएंगे, या किस फील्ड से आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा और ट्रेडिंग का काम करेंगे या शेयर का काम करेंगे या भूमि भवन के निर्माण हेतु काम करेंगे, सारी बातें जब हम आपको बताएंगे। और आपके मित्रों की क्या स्थिति रहेगी, महिला मित्रों से आपको सुख मिलेगा या तनाव मिलेगा, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करना है और आपके लिए आज शुभ अंक क्या रहेगा, शुभ रंग क्या रहेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप क्या करें जिससे आपका काफ़ी अच्छा रहे, प्रगति करें और आपकी माली हालत अच्छी रहे, तो आपको उपाय भी बताएंगे और क्या पूजा करना चाहिए, क्या दान करें, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपकी स्थिति कैसी रहेगी, आप क्या करेंगे, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो जो सिंह राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी, चतुर्दिक प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, नए तरह के कार्य करने से आज आपका मनोबल काफी हाई रहेगा और देखा जाए तो बहुत सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। जो भी आपने प्लान किया है, योजनाएं बनाए हैं, आपकी योजनाओं को कार्यान्वित होने का समय आ गया है, तो अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। और माता पिता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होगी, अगर आपने प्लान किया कि सरकारी नौकरी करनी है तो आपका प्लान सफल होगा, यदि आपने भूमि भवन खरीदने की प्लान करा है तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो खेल के क्षेत्र में आपका करियर बन सकता है, आयात निर्यात कर सकते हैं, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, समुद्र के किनारे आपका भाग्योदय का योग बन रहा है, अचानक यात्रा से मन आपका उद्विग्न हो सकता है। अपने वाणी पर नियंत्रण करें, जो बात आपको खराब लगती उस तरह के व्यवहार दूसरों के साथ करते ही ना करें, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, माता का सुख मिलेगा, अन्य कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में घर में शुभ कार्य भी हो सकता है, थोड़ा भाइयों से बहनों से वैचारिक मतभेद की भी संभावना बन रही, वाद विवाद करने से बचना है, मध्यम मार्ग अवश्य अपना में। यदि आज आप कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तभी थोड़ा सा उसमें विलंब हो सकता है, उसमें निराशा हाथ लग सकती है, होनहार संततियों का सुख मिलेगा, पुराने शत्रु परास्त होंगे, रोग और शत्रु परास्त होगा, यदि कोर्ट कचहरी न्यायालय में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा हो तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलते हुए दिख रही है, भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, आयात निर्यात का भी प्रबल योग बन रहा है, सावधानी क्या बरतनी है, गुस्सा पर नियंत्रण करना है, उपाय क्या करना है आज आप क्या करें कि ओम भोर भुवः स्वः दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप गायत्री माँ की उपासना करें और सूर्य को जल अर्पित करें, आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है लाल। हरे कृष्ण।